तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं कि एन इन्फो में। और आप सभी का बहुत बहुत प्यार रहा है हमारे चैनल से कि आपने इतना प्यार दिया आपने हमारे चैनल को, क्योंकि मेरे आज 30,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। ये सब आपके प्यार की वजह से हुआ है। तो इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी वीडियोज़ को देखते रहें और वीडियोज़ को लाइक करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं फिर से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Hi guys, this is Anil and now you are watching an info. So guys, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आपका स्मार्टफोन रियल में एक स्मार्टफोन बन जाएगा। दोस्तों हाँ, हम सभी लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम क्या आती है कि हमें उसमें हर एक फीचर्स के लिए एक अलग एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती है। जैसे कि अगर जो मैं फ्लैश लाइट का यूज़ करना है तो हमें उसके लिए फ्लैश लाइट का सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ता है, अदरवाइज कुछ UI जो है वो दे देते हैं फ्लैश लाइट का ऑप्शन। तो ऐसा नहीं है कि मैं फ्लैश लाइट के बारे में बता रहा हूँ। बारकोड के लिए आपको एक अलग चाहिए होगा, उसके बाद में जो कुछ एप्लीकेशन है जो प्री इंस्टॉल्ड आती हैं, बट उसके बाद में जो हमारी जो जरूरत के मुताबिक और भी एप्लीकेशन है जैसे कि ट्रांसलेटर और मोशन डिटेक्टर, कंपास और काफ़ी ऐसी एप्लीकेशन हैं जो हमें अलग से इंस्टॉल करने पड़ते हैं, जिसकी मिनिमम MB अगर जो हम मान के चलें जो लो से लो MB होती है वो 5 MB से कम नहीं होती। तो दोस्तों मैं ऐसी एक एप्लीकेशन के बारे बताने जा रहा हूँ जिसमें आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी आपके फ़ोन में। उस सिर्फ एक एप्लीकेशन से आपके फ़ोन में 32 वर्क्स होंगे, मतलब आप इतना ज़्यादा काम कर सकते हैं उसमें सिर्फ एक एप्लीकेशन से। उस एप्लीकेशन से फ़ायदा सिर्फ ये होगा कि आपको तरह तरह की एप्लीकेशन डालने की ज़रूरत नहीं है आपकी जो इंटरनल मेमोरी फ़ोन की, तो उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। आपका जो फ़ोन स्पेस है वो फ्री रहेगा, और जब हम अपने फ़ोन में ज़्यादा एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे दो प्रॉब्लम होती हैं। एक, हमारा फ़ोन थोड़ा सा हैंग होता है, लैगिंग प्रॉब्लम आती है उसमें, थोड़ा सा अटक अटक के चलता है। दूसरी प्रॉब्लम हमारी यह है कि उसकी जो बैटरी लाइफ है वो कम हो जाती है। हम चार्ज करते हैं, बैटरी जो ड्रेन है वो जल्दी ड्रेन हो जाती है बैटरी, तो उसको बार बार चार्जिंग पे लगाना पड़ता है। तो मैं एक ऐसी लो मेमोरी एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूं, तो चलिए मैं बताता हूं कि आपको कैसे उस एप्लीकेशन को यूज करना है, कहां से आपको डाउनलोड करना होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन में क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जो बेल का आइकन आ रखा है इस पर क्लिक करें ताकि आगे मैं जो भी वीडियो डालूं उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए और आप वीडियो को मिस ना करें। या दोस्तों ये एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, बट अगर जो आप थोड़ा सा डिफिकल्ट यूज कर रहे हैं कि प्ले स्टोर पर जाके मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मैं दे देता हूं, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, यहां पर भी आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे 99loot.net, इस वेबसाइट पे जाके आप सर्च कर सकते हैं इजीली। इसमें फीचर जो भी हैं इसके एप्लीकेशन के फीचर्स दे रखे हैं और कितने फीचर्स हैं वो भी दे रखे हैं और क्या पॉइंट्स हैं क्या कौन से हैं वो भी दे रखे हैं। इसमें सारी जो इंफॉर्मेशन है वो इसमें वैसे दी गई है। इसमें जो है 1x1 स्टेप्स दे रखे हैं, जैसे कि हार्ट रेट मोशन दे रखा है, ट्रांसलेटर दे रखा है, म्यूजिक फाइंडर दे रखा है, एक्सरसाइज टाइमर दे रखा है, चेस क्लीनर दे रखा है यानी कि क्लीन मास्टर, और बैटरी सेवर दे रखा है, साउंड मीटर दे रखा है, मैप दे रखा है, कंपास दे रखा है, मैग्नीफाइंग दे रखा है, मच मोर, बहुत सारे फीचर्स हैं। तो इसमें देखते हैं कि कितने हैं। यहाँ 32 फीचर्स इसमें दे रखे हैं सिर्फ और सिर्फ एक एप्लीकेशन में। अब आप सोच रहे हो कि इस एप्लीकेशन का साइज कितना होगा, तो साइज इस एप्लीकेशन का ज़्यादा नहीं है, मात्र 1 GB नहीं है यार। मैं बता देता हूँ आपको कितना साइज है। तो मैं चलिए डाउनलोड लिंक पर चलता हूँ, इसका डाउनलोड लिंक कहाँ पर है, इसी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा डाउनलोड लिंक। तो चलिए मैं देखता हूँ डाउनलोड लिंक, क्लिक है डाउनलोड एप्लीकेशन, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद जो हमारा प्ले स्टोर है वो ओपन हो जाता है। ये जो एप्लीकेशन है मैं पहले से इंस्टॉल की हुई है, आई थिंक ये 4.50 MB की, यानी कि 4 से 5 MB की एप्लीकेशन है ये, तो ज़्यादा बड़ा साइज नहीं है। तो चलिए मैं इसके आगे बढ़ता हूँ आपका टाइम वेस्ट ना करके। तो मैं इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल पहले कर रखा है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ आपको, ये एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो चुकी है। इसमें देखिए फीचर्स कितने सारे दे रखे हैं, तो मैं सभी फीचर्स के आपके बारे में बताऊंगा नहीं क्योंकि आपका टाइम जो है वो वेस्ट हो जाएगा। आप भी यूज़ कर सकते हैं, सारे फीचर आपको पता होंगे, तो आपको जो बाकी के एप्लीकेशन है वो डालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक एप्लीकेशन डालो और आपके फ़ोन को एक रियल में स्मार्टफोन बनाओ, जिससे आपकी बैटरी लाइफ जो है वो ज़्यादा हो जाएगी और ड्रेन भी कम होगी बैटरी, और जो आपका फ़ोन लैगिंग करता है, हैंग होता है, वो भी नहीं होगा। तो पहला फीचर जो दे रखा है इसमें वो दे रखा है नोटपैड का।
ट्रांसलेटर दे रखा है, एक्सरसाइज दे रखा है, फाइंड म्यूजिक, फाइल मैनेजर, ट्रिम ऑडियो, मतलब आपको कोई जो रिंगटोन बनानी है तो उसके लिए भी आपको एक अलग से डालने की जरूरत नहीं है। ज़्यादातर फ़ोनों में जो ऑडियो रिकॉर्डर है वो नहीं आ रहा आजकल, तो इसको अलग से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बट अगर जो आप अलग से डाउनलोड करते हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं है, आपको इसी एप्लीकेशन के अंदर सब मिल जाएगा। फ्लैश लाइट भी दे रखी है, मिरर भी दे रखा है, मैग्नीफाइंग भी दे रखा है, क्विक बारकोड भी दे रखा है और बैटरी सेवर और बहुत सारे इसमें फीचर्स दे रखे हैं। तो आप इसको इजीली सर्च कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, मतलब एक एप्लीकेशन में डालो और सारे फीचर आपके सामने, आपको अलग से कोई एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये काम भी बड़ा इजी करता है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको, फ्लैश लाइट जला के दिखा देता हूँ। ये फ्लैश लाइट इसकी ऑन हो चुकी है, आप देख सकते हैं, ये फ्लैश लाइट ऑफ करनी तो ये ऑफ हो चुकी है। चलिए, और भी इसमें काफ़ी फीचर्स ऐसे दे रखे हैं, जैसे ऑडियो ट्रिमर दे रखा है, ट्रांसलेटर दे रखा है, आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करें कि कौन सी लैंग्वेज में आपको इनपुट करना है, आउटपुट कौन सी लैंग्वेज में देखना चाहते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे फीचर्स दे रखे हैं, तो कैलकुलेटर भी है इसमें जो काफ़ी फीचर्स दे रखे हैं, तो आप इसको यूज़ करके देख सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल एप्लीकेशन है और आपके फ़ोन में जो भी अगर जो ये एप्लीकेशन पड़ गई तो आप बाकी की जो एप्लीकेशन है उसको डेफिनेटली आप डिलीट कर दें, क्योंकि काफ़ी लो मेमोरी एप्लीकेशन, ऐसा भी नहीं कि इसको जब ओपन करते हैं तो काफ़ी टाइम लगाती है, क्लिक किया ओपन हुई, उसके बाद में सारी एप्लीकेशन क्विक काम करते हैं, क्विक वर्क करते हैं। फाइल मैनेजर भी आपको दिख गया, फाइल मैनेजर भी आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है और बहुत सारी चीज़ें हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको जो है पसंद आया होगा, हेल्पफुल होगा आपके लिए ये वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि जो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को, और दोस्तों अगर जो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आगे मैं जो भी अपडेट डालूँ, जो भी नई वीडियो डालूँ, उसका जो नोटिफिकेशन है आपको मिल जाए।